कोरोना के आंकड़े एक बार फिर देश के अंदर बढ़ते हुए जा रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो 18,531 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 25 लोगों की मौत होती हुई भी लगभग सामने आती हुई नजर आई है। सबसे ज्यादा मामले केरल के अंदर देखने को मिल रहे हैं, और अगर हम बीते दिन की बातचीत करें तो बीते दिन के मुकाबले कल के दिन में 58% तक ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। तो दिखाते हैं इसी पर रिपोर्ट कि विदेश के अंदर कोरोना की क्या कुछ स्थिति बयां कर रही है। देश में बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में हल्की उछाल देखने को मिल रही है। बता दें कि 24 घंटों में कोरोना वायरस से नए मामलों की संख्या 18,000 से अधिक हो गई। बुधवार को 18,531 मामले सामने आए हैं, और ताजा आंकड़ों के बाद में एक्टिव केस 1,00,000 से ज्यादा हो गए। देश में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या अब 1,17,707 हो गई है। बुधवार को कोरोना की वजह से 35 लोगों ने दम तोड़ दिया, और बुधवार को आंकड़ों में देखे तो देश में सबसे ज्यादा मामले केरल से सामने आए हैं। एक दिन में 1510 नए मामले दर्ज किए गए। बुधवार को केरल में 4113 केस भी सामने आए हैं। मंगलवार को मुकाबले में संक्रमित लोगों की संख्या 58% का उछाल है। पिछले 24 घंटों में तो 3080 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत भी हो गई है, और इसके साथ ही केरल में कुल मरने वालों की संख्या 70,000 के पार पहुंच गई। फिलहाल देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।